हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। क्लास इंटर फाइनल सब्जेक्ट इंग्लिश की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी कल तक हमने आपको ट्रांसलेशन का पैसेज पढ़ाया था और आज ट्रांसलेशन के पैसेज को चेंज करते हैं और दूसरा टॉपिक लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेज। इसे लोकोक्तियाँ या मुहावरे भी कह सकते हैं और ये परीक्षा में 5 या 6 ईडियम्स या फ्रेजेज आते हैं जिनमें से 3 का आंसर देना होता है और ये 3 अंक के होते हैं। तो 2 शब्द है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए ईडियम्स तो ईडियम्स भी शब्दों का समूह होता है और इसका जो निहित अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। 2 चीज़ें, पहली बात तो ये कि ये शब्दों का समूह होता है और इसका जो निहित अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ से अलग हुआ करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक प्रचलित ईडियम्स है ए हॉट पोटैटो। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक गरम आलू। लेकिन ये सुनने और पढ़ने और प्रयोग में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक गरम आलू से क्या मतलब। अब अगर इसका, ये तो आपका शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन अगर इसका निहित अर्थ लेते हैं तो ये होता है कि हॉट पोटैटो मीन्स गरम मुद्दा या विवादित मुद्दा। तो एडियम्स के रूप में इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी तात्कालिक विवाद मुद्दे की बात की जा रही हो, ऐसा मुद्दा जो तात्कालिक हो, वर्तमान हो और उसकी चर्चा जोर शोर से हो। एक सेकंड एग्जाम्पल ले दिया गया है, द डेथ ऑफ श्रीदेवी इज हॉट पोटैटो दिस डेज। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि श्रीदेवी की मौत आजकल एक गर्म आलू है, तो ये प्रयोग में हास्यास्पद लगता है, ये सही अर्थ नहीं है। इसका निहित अर्थ शाब्दिक अर्थ से भिन्न है, शाब्दिक अर्थ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है विवादित मुद्दा, यानी श्रीदेवी की मौत आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। दूसरा शब्द है फ्रेजेस। फ्रेजेज जो होते हैं वो फ्रेजल वर्ब से बनते हैं और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, ये भी शब्दों का समूह होता है और वर्ब के साथ इसमें प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है। सीधी सीधी बात, फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, फ्रेजल वर्ब से बनते हैं, इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है और ये शब्दों का समूह होता है। और जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बैक, BACK, एक शब्द है बैक जिसका मतलब होता है पीछे, लेकिन अगर उसके साथ एक प्रीपोजिशन अप जोड़ दें UPF तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, इसका निहित अर्थ जो होता है वो शाब्दिक अर्थ से अलग हो जाता है, तो हो जाएगा बैकअप। बैकअप मीन्स होता है समर्थन देना। हेलो स्टूडेंट, इसी तरह से तमाम ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेज होते हैं जिन्हें लर्न करना आवश्यक है और ये परीक्षा में महत्वपूर्ण भी हैं। तो कुछ ईडियम्स और फ्रेजेज का हम यहाँ पर वर्णन करते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। पहला जैसे लिखा हुआ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
एक आशीर्वाद के रूप में, इन ब्लेसिंग इन दिस लाइफ एक आशीर्वाद के रूप में। तो आई कैरीड ए नाइफ विथ मी एंड इट प्रूव्ड टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन ए इन द जंगल। दूसरा लिखा हुआ है ए मैडन स्पीच, प्रथम भाषण। हर मैडन स्पीच वाज ट्रूली इम्प्रेसिव, उसका प्रथम भाषण सचमुच में प्रभावकारी था। ए लायंस शेयर, महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा, ए लायंस शेयर। द मैनेजर टू के लायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट, मैनेजर ने प्रॉफिट से एक बड़ा सा हिस्सा लिया। तो ये शब्द आने चाहिए उसमें, अलायंस शेयर। द मैनेजर टू के अलायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। एक्ट अपॉन, कार्रवाई, कार्यवाही करना। द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इशूज ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑफिसर ने संतोष के लिए, संतुष्टि के लिए कार्यवाही किया। एट होम इन, अपना सा महसूस करना, अपना सा महसूस करना। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है, एट होम इन मीन्स निपुण होना, किसी कार्य में निपुण होना। तो एट होम इन, आई फील एट होम इन माय फ्रेंड्स होम। तो दोनों, एट होम इन का अर्थ दो तरह से हुआ, अपना सा महसूस करना या फिर किसी कार्य में निपुण होना। एट लॉज, पकड़ से बाहर होना या खुला घूमना। He could the rapist be at large? How could the rapist be at large? Rapist कैसे खुला घूम सकता है? All and sundry, प्रत्येक बिना भेदभाव के, यानी हर कोई, केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं। लाइज एप्लीकेबल टू ऑल एंड संडे, कानून सब के लिए समान है, सब के लिए एप्लीकेबल है, उपलब्ध है समानता के साथ। ए क्लोज फिस्टेड मैन, ए क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। माई अंकल इज ए क्लोज फिस्टेड मैन। ए बेड ऑफ रोजेस, सुख में होना। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम। पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान आदमी। माई ग्रैंडफादर इज ए मैन ऑफ लेटर। ए व्हाइट एलिफेंट, अत्यधिक खर्चीली वस्तु। बाइंग ए फरारी इज लाइक पजेसिंग ए व्हाइट एलिफेंट, यानी फरारी कार खरीदना ये व्हाइट एलिफेंट की तरह से है। ए हार्ड पिल टू स्वालो, स्वीकार करने में मुश्किल होना। फेलर ऑफ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इज ए हार्ड पिल टू स्वालो, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का फेल हो जाना ये स्वीकार करने में मुश्किल जैसा है। ऑल द वे, पूरी तरह से। ही गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन ऑल द वे, उसने बारिश में गड्ढे को पूरी तरह से भरा पाया। एट बे, किसी चीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। I keep myself at bay from alcohol. I keep myself at bay from alcohol. मैंने अपने आप को अल्कोहल से दूरी बनाए रखा, यानी उससे दूर रहा। At sixth and seventh, तीतर बितर होना। I found my room at sixth and seventh when I got back home. एट द 11th आवर, अंतिम समय पर।
we planned a picnic at the 11th hour. A fool's paradise. Chhadi khushi. Don't go for a fool's paradise, but for an eternal happiness. A laughing stock. Hansi ka path. Stupids are always a laughing stock. A fair weather friend. Sukh mein saath rehne wala mitra. I always keep distance from a fair weather friend. Above board, imandar. My dad is above board in all his dealings. All in all, sabse mahatvapurna. The president is all in all of the Indian Defense Services. At random, achanak, he burst out at random and started beating him. A bone of contention, jhagde ki jad. Since independence, swatantrata se lekar ke, Kashmir has been a bone of contention between India and Pakistan. Kashmir, Bharat aur Pakistan ke beech jhagde ki jad bana hua hai. A build goes chase, nirathak prayas. Learning French is a build goes chase for you. Aapke liye French bhasha seekhna ye a build goes chase jaisa hai. A bosom friend, ghanishth mitra. A bosom friend will always be with you even in adversities. घनिष्ठ मित्र हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, एडवर्सिटीज क्यों ना हो, विरोधात्मक क्यों ना हो, फिर भी वो साथ रहता है. एट ए स्टोन थ्रो निकट होना. एट ए स्टोन थ्रो निकट होना. माय हाउस इज एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम रेलवे स्टेशन. ए हरकुलिन टास्क, मुश्किल कार्य. Farming is a Herculean task to me. Apple pie order uchit dhang se. I like of my room in apple pie order. Hello students. अब जितने idioms और phrases हमने आपको बताए हैं, आप इसको कॉपी कर लिख करके इसको याद करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.